मित्रों नमस्कार। आज हमारी चर्चा का प्रसंग है आग कितनी। प्रायः मित्रों की जिज्ञासा रहती है, रही है, बराबर हमारे सामने ये प्रश्न आते रहते हैं, हम उसका निराकरण भी करते रहते हैं कि पावन जी बताइए मेरी आयु कितनी है। और भी आयु विषय तमाम सवाल होते हैं, लेकिन मित्रों आज हम केंद्रित रहेंगे आयु कितनी है, क्योंकि तो वीडियो का वक्तव्य सीमित समय के लिए होता है, इस नाते एक एक टॉपिक को लेके बात करना ही उचित रहता है। मित्रों लग्न कुंडली में द्वितीय और सप्तम स्थान मारक स्थान होता है। चर लग्न हो तो लाभ स्थान बाधक होता है, स्थिर लग्न हो तो नवम स्थान बाधक होता है, और द्वि स्वभाव लग्न के लिए सप्तम स्थान बाधक होता है। कुंडली का 6, 8 और 12 भाव ये घातक होता है। कुंडली का 1, 5, 9 और 11 स्थान आयुवर्धक होता है। तो मित्रों इसको ध्यान में रखते हुए जातक की आय को 3 खंडों में विभाजित किया जाता है, दीर्घायु, मध्यायु, अल्पायु। अल्पायु से अगर आप शुरू करते हैं तो 33 वर्ष तक अल्पायु होता है, 66 वर्ष तक, 33 से 66 वर्ष तक मध्याय होता है, और 66 से ऊपर 100 वर्ष या उससे अधिक भी आप जा सकते हैं, ये दीर्घायु में आता है। इस कालखंड में जितनी जिसका आयु खंड है उसके भीतर अगर मारक बाधक स्थान आते हैं तो उचित कालखंड में दशा अंतर दशा के अनुसार व्यक्ति की मृत्यु होती है। तो आज प्रकरण यही है देखना कि हम अल्पायु हैं कि मध्यायु हैं कि दीर्घायु। फिर चर्चा आगे ये वीडियो वक्तव्य में। बड़ा रोचक प्रसंग है मित्रों, ध्यान से अगर आप सुनेंगे तो केपी सिस्टम के नियम बड़े सरल हैं, आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। आप भी अपनी कुंडली देख करके अपने आयु को जान पाएंगे, आयु को समझ सकते हैं। अगर लग्न स्थान का उप नक्षत्र स्वामी 1, 5, 9 और 11 भावों का कार्येश है तो वह व्यक्ति दीर्घायु होता है। दीर्घायु का मतलब उसकी उम्र 66 से अधिक आगे 100 वर्ष 120 वर्ष तक हो सकती है। अगर लग्न स्थान का उप नक्षत्र स्वामी 1, 5, 9, 11 साथ ही साथ 2, 7, 6, 8, 12 और बाधक स्थानों का भी कार्येश है तो उस व्यक्ति की आयु मध्याय होती है, अर्थात 33 वर्ष से 66 वर्ष। और अगर लग्न स्थान का उप नक्षत्र स्वामी लग्न भाव का उप नक्षत्र स्वामी 2, 7, 6, 8, 12 और बाधक स्थानों का ही मात्र कार्येश है, 1, 5, 9, 11 का कार्येश नहीं है तो वह व्यक्ति अल्पायु। मित्रों अब अल्पायु दीर्घायु मध्यायु आपके समझ में आ गया। अब असली आयु कितनी होगी
इसको जानने के लिए ग्रहों की दशाओं को देखना पड़ेगा और ग्रहों के कारकत्व को देखना पड़ेगा। जिस आयु खंड में आपकी आयु है उस आयु खंड में मारक और बाधक दशाओं अंतर दशाओं में मृत्यु हो। मृत्यु कैसे होगी, किस प्रकार होगी, दुखद होगी या सुखद होगी, कष्टप्रद होगी, एक्सीडेंटल होगी, किस प्रकार से होगी, जल में होगी, थल में होगी कि नभ में होगी, कहाँ होगी, इस पर भी हम अगले वीडियो वक्तव्य में चर्चा करेंगे। मित्रों, आज का वक्तव्य हम ही समाप्त करते हैं। आपसे अपेक्षा है कि मेरा हर वीडियो वक्तव्य आप सुना करें। आपको बड़ी दुर्लभ जानकारियां हम देंगे क्योंकि मेरा ज्योतिष शास्त्र का 35 वर्षों का अनुभव है, गहन अध्ययन है, चिंतन है, मनन है, अभ्यास है, प्रयोग है, परीक्षण है। और 35 वर्षों के बाद जब मैं अपने को पात्र साबित कर पाया, मुझे लगा कि अब मैं उसका पात्र हो चुका हूं भविष्य कथन का और स्टेटमेंट देने का, तब मैंने जो वीडियो वक्तव्य देना शुरू किया है। एक वीडियो वक्तव्य मेरा पहले मैं भेज चुका हूं, धन की स्थिति कैसी, यह मेरा द्वितीय वीडियो वक्तव्य है। अगर पसंद आए, आपके लिए लाभप्रद हो तो लाइक करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। पुनः पुनः नमस्कार।